फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ अनुष्का, एवीएम गोरी में आपका स्वागत है। तो कल हमने सीखा था आर्टिकल्स ए और एंड, तो आज हम सीखेंगे दिस और दैट। दिस यानी होता है यह, दैट यानी वह, और वो दोनों सिंगुलर यानी वन के लिए ही यूज होते हैं। Dash is a cup. Dash is a cup. Dash is a cat. Dash is a ball. Dash is a sun. Dash is a kite. Dash is a balloon. तो अब हम यहाँ पे कप की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे कैट की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बॉल की यहाँ पे सन की यहाँ पे हम काइट की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे गुब्बारे की अब हम दिस से स्टार्ट करते हैं। इज ए कप, आपने कप को देखा ही होगा जो हमारे आसपास होती है, जिसमें हम दूध पीते हैं, पानी पीते हैं। तो यह एक कप है, दिस इज ए कप। This is a cup. Is a cat. Cat यानी बिल्ली, जो हमारे आसपास घर के बाहर या अंदर होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे This is a cat. यह एक बिल्ली है। This is a cat. Is a ball. यह एक गेंद है। आप जब बॉल से खेलते हो तो वो आसपास ही होती है, तो हम कहते हैं दिस इज ए बॉल। दिस
इज अ बॉल, इज अ सन, सूरज, सूरज तो आपने देखा ही होगा जब आप ठंडियों में धूप सेकते हो, वो ऊपर होता है और हमें गर्म रोशनी देता है, तो हम कहते हैं वह एक सूर्य है, दैट इज ए सन। इज ए काइट, काइट यानी पतंग, जो हम मकर संक्रांति फेस्टिवल को उड़ाते हैं, तो जब आप उड़ाते हो तो वो हमसे दूर होती है, तो हम कहते हैं वह एक पतंग है, दैट इज ए काइट। दैट इज ए काइट। इज ए बैलून, यह वह एक गुब्बारा है, जब आप बैलून को उड़ाते हो तो वो हमसे दूर होता है, तो हम कहते हैं दैट इज ए बैलून। That is a balloon. Today's moral. आज का सुविचार। A good thought. THOUGH, good thoughts start from where? From where good thinking THINKING good thinking starts. A good thought starts from where good thinking starts. एक अच्छा विचार वहीं से शुरू होता है जहां से अच्छी सोच शुरू होती है। So friends, आपको अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए। Please like, share and subscribe this video और comment में जरूर बताना मैंने कैसा पढ़ाया। Bye bye.